लेवरकुसेन रशियन प्रीमियर लीग का मैच हो रहा है एफवीओ वर्सेस डायनामो मॉस्को के बीच 2 घंटे 16 मिनट के बाद, तो बात करें ये मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। चलते हैं आगे, बात करें अगर हम इस मैच की देन लिटरली मैच काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, तो मैं फेवर कर रहा हूँ डायनामो मॉस्को को, क्योंकि डायनामो मॉस्को के जीतने के चांस हैं यहाँ पर 90% अराउंड। लेकिन हेड टू हेड रिकॉर्ड ये जता रहा है कि एफवीओ टीम इनसे 2 बार कंटिन्यूसली जीती है, तो मुश्किल तो इनको झेलनी पड़ेगी, सामने वाली टीम को हल्का नहीं आंक सकते आप लोग। तो बात करें गोलकीपर की, तन मेरा पहला प्लेयर है अलेक्सी गोर्डोविया को यहाँ पर मैं अपनी टीम में ले रहा हूँ। एक्चुअली शनिन को लेने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि अगर क्लीन शीट लगती भी है तो भी आपको फ़ायदा जितना डिफेंडर से मिलने वाला उतना एक गोलकीपर नहीं दे सकता। सो मैं कंपेयर करूँ अगर डिफेंडर से तो भाई ये लाख गुना अच्छा है। एंड आगे से अगर हम बात करें ओरिजिनल डिफेंडर्स की, तो यहाँ पर मेरा पहला प्लेयर जो कि डेमित्री मेरा कंसिस्टेंसी वाला प्लेयर है, मैं हर बार अपनी टीम में ट्राई करता हूँ एंड मेरे को आज तक मुश्किल नहीं आई, सो मैं इस प्लेयर के साथ जा रहा हूँ। एंड आगे से बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, तो यहाँ पर है सर्जी पर्शिवल्यूक, तो इसलिए मैं इसको भी अपनी टीम में ले रहा हूँ। लेट्स सी कि कैसा खेलता है, क्योंकि पर्शिवल्यूक एक नॉर्मल प्लेयर है और वेरला के ना खेलने के कारण हम ना सोचने में थोड़े कन्फ्यूज़ हैं, हम थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हैं कि वेरला नहीं खेल रहा तो किसको ले। तो मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा मत सोचो भाई, जो वेरला की जगह आएगा नेचुरली उसी को लोगे। अब ये तो है नहीं कि ये नहीं खेल रहा तो उठा के मिडफील्डर ले लोगे, फिर तो गेम बिगड़ेगी। एंड आगे से बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, पिछले मैच का की प्लेयर मेरा अलेक्जेंडर और मज़ा आ गया था उस मैच में लिटरली। और अगर आगे से अगर बात करें देन यहाँ पर मिडफील्डिंग की, देन यहाँ पर है फॉर्मिन पिछले मैच के अंदर कईयों का मतलब वाइस कैप्टन भी था और कई ऐसे अनोखे थे जिनकी टीम में भी नहीं था। तो मैं आपको बता दूं डी फॉर्मिन इज़ अ पेनल्टी टेकर, लेकिन पिछले मैच में 2 पेनल्टीज आई थी, एक पेनल्टी फॉर्मिन ने ली थी, एक एफ एस्मोलोव ने, तो दोनों का बहुत बढ़िया मतलब रहा था। एंड आगे से अगर बात करें जैकरीन की, देन जैकरीन पिछले मैच में मेरा वाइस कैप्टन था, ये भी कईयों की टीम में नहीं था। मतलब मैं हैरान हूँ लोग बड़े बड़े प्लेयर को छोड़ कैसे देते हैं। और आगे अभी मान लो मतलब इतनी चुल मची होती ना कईयों के अंदर, अभी फॉर्मिन को छोड़ के मोरो को लेंगे ना और बाई चांस मोरो गोल कर गया तो पूरे पागल हो जाएंगे, मतलब कि हमारा प्लेयर गोल कर गया, हम ये हैं, हम वो हैं। मतलब एक मैच जीतने पे शोर मचा देंगे कि हमने क्या कर दिया, मतलब दुनिया जीत ली। लेकिन उनको ये नहीं पता आप एक मैच जीतते हो एंड कंसिस्टेंसी अलग होती है, एक मैच जीतने में और 10 मैच लगातार जीतने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है। और मैं किसी को पर्सनली नहीं कह रहा, ये उनको कह रहा हूँ, गिने चुनों को जो सिर्फ मतलब ये हरकत करते हैं। क्योंकि एक अब पिछले मैच में क्या हुआ, एक प्लेयर है मैट जेंसन, एक मेरे को बंदा लिख रहा कि आपने जेंसन नहीं लिया, मैं पूछूं बंदे से कि जेंसन क्या है जेंसन, ठीक है, कुछ भी नहीं, एक गोल कर दिया बस पागल हो गए, जेंसन ने गोल कर दिया। वही तो बोल रहा हूँ, इतनी चुल नहीं मचनी चाहिए भाई अगर एक प्लेयर गोल कर दे। अब ये कंसिस्टेंसी वाले प्लेयर है, अगर ये गोल कर भी देंगे तो आपके लिए बढ़िया ही है, क्योंकि आपको पता है वो कंसिस्टेंसी वाले प्लेयर हैं। एंड आगे से अगर बात करें रोमन की, तो रोमन को लोगे ही, क्योंकि रोमन को छोड़ के दूसरा प्लेयर लोगे और अगर चल भी गया तो कोई जीत नहीं गए, आप एक तरह हार रही हो फिर भी, जो मर्जी कर लो। एंड आगे से बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, हाँ इसका है इरेक्ली की जगह आप चाहें तो डिफेंडर ट्राई कर सकते हैं, इतना मैं कहूँगा, क्योंकि बॉजिन एक बहुत बढ़िया प्लेयर है तो बॉजिन को ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। एक्चुअली मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं लूँगा मिडफील्डर ही, इतना मैंने ठाना हुआ, तो मैं ना लाइनअप्स का वेट कर रहा हूँ। आगे से अगर बात करें एस्मोलोव की, मेरा कैप्टन यही रहेगा, पिछले मैच में भी यही था, अमान तो पेनल्टी आई थी, लेकिन पेनल्टी आने में भी तो दमची है, पेनल्टी किसकी थी ये तो देखो, पेनल्टी जैकरीन की थी हमारे वाइस कैप्टन की। एंड ग्रलव की बात करें तो यहाँ पर है ग्रलव, तो ग्रलव को भी कई लोगों ने वाइस कैप्टन रखा हुआ था, बट ग्रलव बेचारा फ्लॉप हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस, एक मैच में फ्लॉप होने से प्लेयर को आंक नहीं सकते हल्का। और आगे से अगर बात करूँ मैक्सिमोव की, ये पेनल्टी टेकर है, प्लस एपीएफ को मैं नहीं लूँगा, आपने लेना लीजिए, लेकिन मैं तो पागल नहीं हूँ कि एस्मोलोव को छोड़ के इसको ले लूँगा, ये तो हो ही नहीं सकता ना। मतलब अगर ये गोल कर भी देता है तो कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैं लॉस मैं झेल लूँगा, लेकिन मैं फालतू रिस्क नहीं ले सकता इतना बड़ा। एंड आगे से बात करें कैप्टन की, कैप्टन है एफ एस्मोलोव, वाइस कैप्टन है जैकरियन, ये मेरी टीम, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।